प्रभु तुमको समर्पित करते हैं, प्रभु तुमको समर्पित करते हैं अपना ये जीवन सारा। तुम्ही सच्चा जीवन साथी है प्रभु इस दुनिया में हमारा, प्रभु शांति। 29 नवंबर 2023। आज की मुरली के मुख्य पॉइंट्स हैं। पहला पॉइंट है भगवान उवाच, मैं श्री कृष्ण की आत्मा को एडॉप्ट कर ब्रह्मा बनाए उन द्वारा ज्ञान देता हूँ। वह फिर इस सहज राजयोग से फर्स्ट प्रिंस सतयुग का बन जाता है, यह समझानी और कोई की बुद्धि में है नहीं। दूसरा पॉइंट है बाप समझाते हैं सर्व का सदगति दाता एक मैं हूँ, सर्व का शिक्षक बन श्रीमत देता हूँ और फिर सर्व का सदगुरु भी हूँ। तीसरा पॉइंट है कुमारियों की महिमा बहुत भारी है, मुख्य कुमारी तुम्हारी मम्मा है, चंद्रमा के आगे फिर अच्छा स्टार भी चाहिए, यह ज्ञान सूर्य है, यह गुप्त मम्मा अलग है। मुरली का सार है, मीठे बच्चे अपनी बुद्धि व विचारों को इतना शुद्ध स्वच्छ बनाओ जो श्रीमत को यथार्थ रीति धारण कर बाप का नाम बाला कर सको। आज का प्रश्न है, बच्चों की कौन सी अवस्था ही बाप का शो करेगी? उत्तर है, जब बच्चों की निरंतर हर्षित मुख अचल अडोल स्थिर और मस्त अवस्था बने तब बाप का शो कर सके। ऐसी एक रस अवस्था वाले होशियार बच्चे ही यथार्थ रीति सबको बाप का परिचय दे सकते हैं। धारणा के लिए मुख्य सार है, पहला, अपनी अवस्था बड़ी मस्त अचल अडोल बनानी है, सदा हर्षित मुख रहना है। दूसरा है, ज्ञान के शुद्ध घमंड मना नशे में रहकर बाप का शो करना है, गीता के भगवान को सिद्ध कर बाप की सच्ची पहचान देनी है। आज का वरदान है, स्मृति स्वरूप बन वे स्मृति वालों को स्मृति दिलाने वाले सच्चे सेवाधारी भव। अपने स्मृति स्वरूप फीचर्स द्वारा औरों को स्मृति स्वरूप बनाना यही सच्ची सेवा है। आपके फीचर्स औरों को स्मृति दिला दे कि मैं आत्मा हूँ, मस्तक में देखे ही चमकती हुई आत्मा व मणि को। जैसे सांप की मणि देख करके सांप की तरह कोई का ध्यान नहीं जाता, ऐसे अविनाशी चमकती हुई मणि को देख देह भान को भूल जाए, अटेंशन स्वतः आत्मा की तरफ जाए, वे स्मृति वालों को स्मृति आ जाए तब कहेंगे सच्चे सेवाधारी। आज का स्लोगन है, अवगुण धारण करने वाली बुद्धि का नाश कर सतो प्रधान दिव्य बुद्धि धारण करो। मुरली के मुख्य पॉइंट्स विस्तार से, आज गीत बजा मरना तेरी गली में। ओम शांति। बच्चों ने गीत सुना, कहते हैं आए हैं तेरे दर पर जीते जी मरने के लिए। गीता कोई श्री कृष्ण ने नहीं सुनाई, गीता तो परम पिता ने सुनाई। श्री कृष्ण यहाँ हो सके, श्री कृष्ण तो है सतयुग का प्रिंस। भक्ति में इतनी मेहनत करते आए हो वह तो दरकार नहीं, यह तो सेकंड की बात है। सिर्फ यह एक बात ही सिद्ध करने के लिए भी बाप को कितनी मेहनत करनी पड़ती है, कितनी नॉलेज देनी पड़ती है। प्राचीन नॉलेज जो भगवान ने दी है वही नॉलेज है, सारी बात गीता पर। परमपिता परमात्मा ने ही आकर देवी देवता धर्म की स्थापना के लिए सहज राजयोग और ज्ञान सिखलाया है, अब जो प्रायः लोप है। सिद्ध करना है कि गीता पारलौकिक परमपिता परमात्मा ज्ञान सागर ने सुनाई। श्री कृष्ण की महिमा और है,
परमपिता परमात्मा की महिमा और है। वह है सतयुग का प्रिंस जिसने सहज राजयोग से राज्य भाग्य पाया है, पढ़ते समय नाम रूप से और है और फिर जब राज्य पाया तब और है, यह सिद्ध कर बताना है। पतित को ही पावन बनाकर फर्स्ट प्रिंस बनाता हूँ। भगवान उवाच, मैं श्री कृष्ण की आत्मा को एडॉप्ट कर ब्रह्मा बनाए उन द्वारा ज्ञान देता हूँ। वह फिर इस सहज राजयोग से फर्स्ट प्रिंस सतयुग का बन जाता है, यह समझाने और कोई की बुद्धि में है नहीं। किस्मत आपे ही तो नहीं बनती, किस्मत बनाने वाला या तो बाप या तो टीचर चाहिए। कहते हैं गुरु गति देते हैं, परंतु गति सदगति का भी अर्थ नहीं समझते। प्रवृत्ति मार्ग वालों की सदगति होती है, बाकी गति माना सब बाप के पास जाते हैं। यह बातें कोई भी समझते नहीं, वह तो भक्ति मार्ग में बहुत बड़े बड़े दुकान खोल कर बैठे हैं। सच्चे ज्ञान मार्ग की दुकान यह एक ही है, बाकी सब भक्ति मार्ग की दुकानें हैं। बाप कहते हैं यह वेद शास्त्र आदि सब भक्ति मार्ग की सामग्री है, इन जप तप वेद शास्त्र आदि का अध्ययन करने से मैं नहीं मिलता हूँ। मैं तो बच्चों को ज्ञान देकर पावन बनाता हूँ, सारी सृष्टि का सदगति दाता हूँ। यह बड़ा भारी क्लास है, टीचर तो समझते हैं ना यह स्टूडेंट कैसा है, तो क्या बाप नहीं समझते होंगे। यह बेहद के बाप का क्लास है, यहाँ की बात ही निराली है। यह है प्रवृत्ति मार्ग का सहज राजयोग, हम सिद्ध कर समझाने लिए आए हैं। बच्चों को शो करना है, सदैव हर्षित मुख अचल स्थिर मस्त रहना चाहिए। आगे चलकर महिमा निकलनी जरूर है, तुम सब हो तो ब्रह्म कुमार कुमारियां। कुमारी वह है जो 21 जन्मों के लिए बाप से वर्षा दिलाए। कुमारियों की महिमा बहुत भारी है, मुख्य कुमारी तुम्हारी मम्मा है। चंद्रमा के आगे फिर अच्छा स्टार भी चाहिए, यह ज्ञान सूर्य है, यह गुप्त मम्मा अलग है। इस राज को तुम बच्चे ही समझकर समझा सकते हो। समझाना बहुत सहज है, गीता के भगवान की महिमा अलग है। वह पतित पावन सारी दुनिया का गाइड लिबरेटर है। मनुष्य चित्रों से समझ जाएंगे कि बरोबर परमात्मा की महिमा अलग है, सब एक थोड़े ही हो सकते हैं। अच्छा, मीठे मीठे सिखिल दे बच्चों प्रति मात पिता बाप दादा का याद प्यार और गुड मॉर्निंग। रूहानी बाप की रूहानी बच्चों को नमस्ते, रूहानी बच्चों की रूहानी बाप को नमस्ते।